अच्छा घर जाके किस किस ने पढ़ा ये? कोई नहीं, ईमानदारी से बता दो, नहीं पढ़ा हो तो उसमें नहीं पढ़ा ना। अच्छा पढ़ा है ना, मतलब नहीं पढ़ा है। फिर ठीक है, क्योंकि साथ साथ पढ़ोगे तो साथ साथ हो जाएगा, नहीं तो फिर आप भूल जाते हो। जो एडगार डेले का कोन ऑफ एक्सपीरियंस है ना, उसके अकॉर्डिंग आप एक टाइम के बाद भूल जाते हो, है ना। उन्होंने 1960 में वो कॉन्सेप्ट दिया था। ये विजिबल है ऑनलाइन वाले बच्चों का, या और जूम करूँ मैं? ठीक है ओके। तो हमने जो कल किया था इसमें कंप्यूटर के टाइप किए थे, हाँ अभी हमें हार्डवेयर से करना है। ठीक है, कंप्यूटर का हार्डवेयर हम समझते हैं कि जो फिजिकल बॉडी होती है, जिस जो भी, जैसे ये लैपटॉप है, इसका जो आउटफिट है, दो चीज़ है इसमें। जैसे फैन, फैन होता है, वो फैन है, उसमें दो मैकेनिज्म काम करते हैं। एक तो मैकेनिज्म काम करता है इसका हार्डवेयर, जो इसकी केमिस्ट्री है, ये किस मेटल से बना है ना, क्या शेप है इसकी, ये सारा का सारा इसका हार्डवेयर है। और जो फिजिक्स का इसमें अंदर कॉन्सेप्ट है, जिससे रोटेट करता है, जिससे चलता है, वो फिजिक्स है। वो एक तरीके से इसका सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है ना। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हार्डवेयर जो हमें विजिबल होता है, सॉफ्टवेयर हमें विजिबल नहीं होता उस तरीके से। ठीक है, तो इसकी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं किसी भी कंप्यूटर के। अगर हम इसमें देखें तो कंप्यूटर में जो दो मेन पार्ट होते हैं, एक तो मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है। लेकिन जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, उसको हम सीपीयू बोलते हैं, है ना। तो सीपीयू में जो बेसिकली होती है तीन, एक तो इनपुट होता है, तो जो इनपुट यूनिट है वो इनपुट किसे देते हैं, जो हमें इनपुट डिवाइस है ना। जैसे कोई भी प्रोसेस है, जैसे हम है, हम भी कुछ, हमारे अंदर इनपुट जाता है, जैसे वॉइस है, कोई कुछ इनपुट जा रहा है, उसका कुछ आउटपुट है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कंप्यूटर में रॉ डाटा और मटेरियल हम इनपुट देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हम जो है ना, कि मशीन लेवल पे की जो लैंग्वेज थी वो यूज करते थे, है ना। उसके बाद हम जो है ना, कि हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं। और आज के टाइम पे हम जो जितने भी कंप्यूटर है हमारे, उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ठीक है, तो कंप्यूटर में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, आउटपुट यूनिट। तो इनपुट हम बेसिकली कीबोर्ड से देते हैं ना, ठीक है, या माइक, माइक बोल सकते हैं, माउस बोल सकते हैं, है ना। ये बहुत सारे क्या है, इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट हमारा मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, मतलब ऐसे बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते, आउटपुट डिवाइस होते हैं, है ना। उसके बीच में जो वर्क करता है, जहाँ मेन फंक्शन होता है, जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन में फंक्शन होता है, जैसे मैंने टच किया यहाँ, तो कोई सिग्नल गया ना मेरी बॉडी में, वो सिग्नल स्पाइनल से होता हुआ मेरे ब्रेन तक गया, जो न्यूरो सेंसिकल ऑर्गन है बॉडी का, तो ब्रेन से गया, ब्रेन को पता चला कि गर्म लगेगा तो गर्म फील होगा, ठंडा लगेगा तो ठंडा फील होगा, तो वो इनपुट गई, इनपुट के बाद वो आउटपुट देता है। इसी तरीके से कंप्यूटर होता है, इसकी तीन बेसिक यूनिट होते हैं। इसको सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, और इसमें एक तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक सारा कैलकुलेशन का काम करता है, मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस होते हैं, जो कैलकुलेशंस होते हैं, वो सारी की सारी ALU बोलते हैं इसको। बहुत बार इसकी एग्जाम में डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि ALU की फुल फॉर्म क्या है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और मेन मेमोरी में वही होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट, तो इसमें जो मेन मेमोरी का पार्ट होता है ना, वो रैम और रोम। ठीक है, और सेकेंडरी स्टोरेज में जो हमारी, या हम SSD लगा ले या HDD लगा ले, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो इस तरीके के जो है ना, कि सेकेंडरी स्टोरेज में होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज एक तरीके से होता तो CPU के अंदर ही है, लेकिन उसको सेकेंडरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होता। मेन मेमोरी जहाँ से असेस होता है, रैम और रोम होती है वो। ठीक है, इसके बारे में हम अब डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट है, इसमें बेसिकली क्या काम होता है, ये एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मतलब कैलकुलेशन का काम हम इसमें करते हैं, ALU जो इसका है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट क्या करती है, एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा, इंस्ट्रक्शन फीड इन द मेमोरी। तो
कंट्रोल यूनिट क्या करती है कि बहुत सारा डाटा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में डिवाइस होता है, तो उसको असेस करने के लिए उसको वहाँ से बूट अप करेगी और मेन मेमोरी में ले आएगी, और वो प्रोग्राम हमें दिखेगा। जैसे भी हम कोई अपना, जैसे लोकल डिस्क होती है माई कंप्यूटर में जाके, सी या डी ई जिसमें भी आपका डाटा है, तो वहाँ क्लिक करते हैं तो पहले मेन मेमोरी में आता है, और मेन मेमोरी के बाद कंप्यूटर हमें शो करता है, वो एक्सेस होता है। ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि ये ऑपरेशन करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें है, ये बहुत बेसिक है कंप्यूटर का, आप जानते हैं, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में वही होता है कि जो हम मेमोरी, अलग अलग मेमोरी होती है, अलग अलग मेमोरी के कंप्यूटर होते हैं, जैसे 64 बिट, 32 बिट, 128 बिट, तो ये उसकी यूनिट होती है। तो मेमोरी यूनिट मेन स्टोरेज होती है किसी भी कंप्यूटर की, ठीक है। उसमें होता है सेट ऑफ रजिस्टर्स, ये आपने शायद पहली बार सुन रहे होंगे। सेट ऑफ रजिस्टर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने कल डायोड और ट्रायोड बताया था, रजिस्टर्स भी बहुत छोटे छोटे, आपने पीसीबी देखा है, इसको ही बोलते हैं पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड को, जो ग्रीन बोर्ड बोलते हैं जिसको, ठीक है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे क्या होता है, बहुत छोटे छोटे सेल टाइप के होते हैं, वो आपको इस तरीके से दिखेंगे, और उसका एक इधर इधर मदरबोर्ड ऐसे होता है ना, अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो वो ऐसे लगे होते हैं, बहुत सारे ऐसे सेल देखोगे आपने छोटे छोटे पीसीबी पे, कभी देखा हो तो ग्रीन बोर्ड। तो ये क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स स्मॉलेस्ट यूनिट है स्टोरेज की, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है स्टोरेज की। मैं आगे हायरार्की बताऊंगा, इसके हर बार को पेपर में आता है ये क्वेश्चन, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट एनटीए का, कि जो मेमोरी की हायरार्की क्या है, कैचे मेमोरी पहले आएगी, टाइम क्या, उसका स्पीड क्या है, कैचे, रैम, रोम और रजिस्टर, सेकेंडरी एसएसडी, एचडीडी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी डिस्क, रोम, ये सब जो है ना कि हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बसीज क्या होती है, बसीज एक सेटअप होता है वायर का, नेटवर्क, टोपोलॉजी मैं आगे बताऊंगा, टोपोलॉजी होता है नेटवर्क, तो बस एक पार्ट है टोपोलॉजी का, कि किस तरीके से हमने कंप्यूटर का नेटवर्क ऑर्गेनाइज कर रखा है, ठीक है। पेरीफेरल डिवाइस क्या होते हैं, पेरीफेरल डिवाइस होते हैं जो सीपीयू के आसपास जितने भी डिवाइस लगते हैं, जैसे हमारा डिवाइस हो गया मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस, वेबकैम, ये सारे के सारे जो इसके आसपास जितने भी डिवाइस होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, पेरीफेरल डिवाइस होते हैं। जैसे पेरीफेरी बोलते हैं ना, जैसे कोई गांव है उसके आसपास कोई पेरीफेरी होती है ना, तो वो उस पेरीफेरी का मतलब है कि इसी तरीके से कंप्यूटर में हमने डिफाइन किया है कि इस सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के आसपास जितने भी डिवाइस होते हैं उनको पेरीफेरल डिवाइस बोलते हैं, और जैसे स्कैनर, प्रिंटर, वाइट बोर्ड, ठीक है, ये आया समझ में आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, ये तो आप लोगों को सबको पता ही है कि इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड हो गया, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस के एग्जांपल है। आउटपुट डिवाइस क्या है, कि आउटपुट है जिससे हमें आउटपुट मिलेगी, जैसे स्पीकर हुआ, मॉनिटर हुआ, और प्रिंटर हुआ, हेडफोन हो गए, एक नाम होता है प्लूटर, ये जानते हैं आप प्लूटर क्या होता है, प्लूटर्स जो ये बैनर होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े बैनर, ये बड़ा प्रिंटर होता है, जो जितने बड़े बड़े बैनर निकलते हैं ना, वो प्लूटर से ही निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद है, इतना आया समझ में, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये आप कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि इनपुट डिवाइस कौन सा और आउटपुट कौन सा है, और कई बार मल्टीपल सेलेक्टिव टाइप में भी आ जाता है कि इसमें से सेलेक्ट करो विच इज़ नॉट ए इनपुट डिवाइस, तो बहुत बार हम क्या मिस्टेक करते हैं कि नॉट पढ़ना भूल जाते हैं और इनपुट डिवाइस पे वो लगा जाते हैं, तो इसलिए जब भी क्वेश्चन सोल्व करो ना, तो क्वेश्चन पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट है जितना उसका आंसर है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आपका आंसर भी आप कर दोगे अच्छे से, ठीक है। कितना ही टाइम लगे लेकिन क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना होता है सबसे पहले इसमें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट में आते हैं, और स्टेटमेंट में कहीं पर नोट होता है, कहीं पर नोट नहीं होता, तो उसमें काफ़ी मिस्टेक होती है। सेकेंड है इसमें स्टोरेज डिवाइसेज। स्टोरेज डिवाइसेज वो है जहाँ हमारा डाटा स्टोर होता है। बेसिकली हमने आज तक स्टोरेज डिवाइसेस में यही पढ़ा है कि हम ना एचडीडी पढ़ा है, हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना। अभी इसका नया वर्जन आया है एसडीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सुना है इसके बारे में। जितने भी रिसेंट लैपटॉप है ना या कंप्यूटर है, तो हम दो ही चीज देखते हैं जब भी कोई कंप्यूटर परचेज करते हैं मार्केट से, एक तो उसकी स्टोरेज क्या है ना, ये देखते हैं ना कितना स्टोरेज है,
और पहले तो ये देखते थे कि भाई 8 GB की रैम है, अभी जैसे मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं 256 GB की का उसका इंटरनल स्टोरेज है, रैम कितनी है, ये दोनों देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि जैसे कोई कंप्यूटर देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ड्राइव कौन सी है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव में जैसे आप लैपटॉप चलाते हैं तो फैन चलता है लैपटॉप में, जितने HDD होगी जिस भी लैपटॉप में, तो जैसे ये CPU है डेस्कटॉप आपने देखा उसमें फैन चलता है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव को फैन की जरूरत नहीं होती है ना। और वो बहुत फास्ट होता है HDD से, जो जो भी SSD के लैपटॉप्स होंगे ना उनकी स्पीड सबसे ज़्यादा हाई होगी। तो जब मेमोरी के हायरार्की पढ़ेंगे तो उसमें ये भी पढ़ेंगे कि HDD ज़्यादा फास्ट है या SSD ज़्यादा फास्ट है, ऐसे क्रोनोलॉजिकल के SSD। तो जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो नई टेक्नोलॉजी है HDD से, हार्ड डिस्क ड्राइव से, ठीक है। अब इसमें जो हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिकली हमारी दो तरीके की मेमोरी होती है, एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड होती है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में हमारी आती है रैम और रोम, ठीक है। और जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी में आती है हमारी ये SSD, HDD, ठीक है, CD, DVD एक्सेट्रा, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें आती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव ये वगैरह, ठीक है। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन इसमें कैसे आता है, तो मेमोरी से क्वेश्चन हर बार आता है ना। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है, बताते रहा करो, आप भी क्लास में हो, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, सबसे पहली मेमोरी है इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, इसकी दो प्रॉपर्टीज आएंगी जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आपसे पूछेंगे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसका क्या है कि ये क्या है, एक टेम्परेरी मेमोरी है ना, टेम्प्रोरी मेमोरी है। और दूसरा क्या है, ये वोलेटाइल है। तो टेम्परेरी का मतलब ही वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल समझते हो, साइंस में 10th 12th में कंपाउंड पढ़े होंगे, ये वोलेटाइल कंपाउंड है, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है। वोलेटाइल कंपाउंड वो होते हैं जो उड़ जाते हैं, आपने रखा जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल समवट वोलेटाइल होता है, वो थोड़ी देर बाद हवा में उड़ जाएगा वेपर बन के, ठीक है। तो वोलेटाइल कंपाउंड वो होते हैं जो इजिली उड़ जाते हैं। तो हमारी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो भी वोलेटाइल मेमोरी है, वो कब तक रन करती है, जब तक आपका सिस्टम ऑन रहता है। जैसे आपने वर्ड पे या पेंट पे कोई काम किया है ना, आपका कंप्यूटर ऑन है, और जैसे ही आपने वो सेव नहीं किया, सेव करने का मतलब है कि आप उसको प्राइमरी मेमोरी से जो है ना कि सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र कर रहे हो। अगर वो आपने सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र नहीं किया तो वो आपका वोलेटाइल हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रैंडम एक्सेस जो मेमोरी होती है आपकी वो टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसमें मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं कि रैम की ज़रूरत क्या होती है कंप्यूटर में। तो यही देखते हैं ना कि मोबाइल की कितनी रैम है, कितनी है। तो जो रैम होती है ना, रैम में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, है ना, जो प्रोग्राम होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, है ना, एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का। वो कैसे होता है, जैसे सेकेंडरी मेमोरी से कोई भी डाटा आएगा और रैम में जाके एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन जैसे बहुत बार आप अपने मोबाइल में बहुत सारी ऐप खोल देते हैं, आपने यूट्यूब खोल दिया, उसके बाद फेसबुक, उसके बाद व्हाट्सएप, तो बैकग्राउंड में बहुत सारी ऐप स्टोर रहती है। एप्पल में ऐसा नहीं होता, अभी कुछ लेटेस्ट फ़ोनों में होता है, लेकिन एप्पल में आपने जो एक बार ओपन कर दिया वो वापस जाना पड़ता था आपको दूसरी ऐप खोलने के। लेकिन एंड्रॉयड में क्या है कि आप गूगल क्रोम में भी खोलोगे तो 100 100 पेजेज एक टाइम पे खोल के रख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपकी मेमोरी में, रैंडम मेमोरी में सेव है। लेकिन जब आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया तो आप तो ऑन करते देखते हैं तो जाता ही नहीं, लेकिन कंप्यूटर में तो रैम में वोलेटाइल होती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर तो आपका स्विच ऑफ हो जाता है ना, जैसे ही आप मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं तो आपकी जो बैकग्राउंड ऐप है वो गायब हो जाती है। इसका मतलब वो क्या थी, रैम में थी। और जिस कंप्यूटर की, कंप्यूटर से मेरा मतलब है वो मोबाइल भी कंप्यूटर हो सकता है, और जो है ना कि लैपटॉप डेस्कटॉप सब कंप्यूटर है ना। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो बेसिक डेफिनेशन है उससे पढ़े। तो उसमें जितनी ज़्यादा रैम होगी, जितना स्पेस होगा, उतना एग्जीक्यूशन ज़्यादा होगा और उतने ही फास्ट होगी वो कंप्यूटर, जो भी फ़ोन है।
हम देखते हैं कि अभी जो मोबाइल आ रहे हैं, पहले 4GB रैम के थे, है ना, आजकल जो है ना कि 8, 6, 8 और 12 के है। जो अभी रेडमी का आज फ़ोन एक लॉन्च होगा, रेडमी नोट 12, उसकी है ना जो है ना कि 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है, और उसकी जो आउटपुट स्टोरेज है वो है 128 से लेके 256 GB तक उसकी इंटरनल स्टोरेज है। तो इसका क्या मतलब है कि जो रैम 12GB है, 12GB का मतलब कि वहाँ फास्ट प्रोसेसिंग होगी चीज़ों की, है ना। जैसे हमने फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक देखा था कि उनकी स्पीड ज़्यादा होगी कंप्यूटर की। तो रैम का काम क्या होता है कि वो रेंडमली एक्सेस करता है जो भी प्रोग्राम या जो भी ऐप या जो भी हमने सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा चाहिए होता है। ये आया समझ में रैम का क्या फंडा है, है ना। तो रैम जिसकी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो उतना ही फास्ट कंप्यूटर माना जाता है, होता है, क्योंकि उसको असेस होने में स्पेस मिल जाता है, है ना। सेकंड, इसके दो ही प्रॉपर्टीज है रैम की जो जहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक तो ये टेम्परेरी मेमोरी है और प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है, और ये वोलेटाइल है, ठीक है, और ये रैंडमली एक्सेस होती है। अगर कंप्यूटर ऑफ हो गया तो सारा का सारा डाटा इससे चला जाएगा, ठीक है। सेकंड है इसमें रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है, एक और बात है कि जब हम रैम की बात कर रहे हैं तो इसमें रीड लिखा आ रहा है ना। रैम में रीड नहीं है, रैम दोनों होती है, रीड एंड राइट मेमोरी होती है रैम, और रोम ओनली रीडेबल मेमोरी होती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी मेमोरी ऐसी है जो ओनली रीडेबल है, ये भी आ जाएगा। रीड एंड राइट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो रैम हमारी रीड एंड राइट की मेमोरी होती है और रोम हमारी सिर्फ रीडेबल मेमोरी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है कंप्यूटर का रोम का, वो ये होता है, कंप्यूटर्स ऑलवेज कंटेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रोम्स दैट होल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग अप द कंप्यूटर। जब हम बूटिंग अप बोलते हैं ना, बूटिंग अप एक प्रोसेस होती है। जैसे ही आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं या आप कोई लैपटॉप या मोबाइल रन करते हैं, तो प्राइमरी रोम में से कुछ प्रोग्राम वो बूट अप करता है, क्योंकि वहाँ परमानेंटली सेव्ड है। वहाँ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रीड करेगा वो प्रोग्राम और उन्हीं से आपका कंप्यूटर ऑन होता है, ठीक है। तो उसको बूटिंग अप प्रोसेस भी कहते हैं। और ये भी आ जाएगा कंप्यूटर के स्टार्ट होने में किस मेमोरी का यूज होता है, तो रोम का यूज होता है, वहाँ रैम का यूज नहीं होता, ठीक है। ये बात आई आपको समझ में, ठीक है। आपको आई जो ऑनलाइन है स्टूडेंट? चलो, तो रैम और रोम का क्वेश्चन हर बार आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आईसीटी में। रैम रोम जितनी भी मेमोरी से क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। जैसे वो हमने हायर एजुकेशन के जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनएमई आईसीटी के थ्रू, उनमें से क्वेश्चन आएगा और यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। थर्ड है इसमें पी रोम, इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन आप समझने के लिए, पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कुछ परमानेंट प्रोग्राम इसमें होते हैं बहुत सारी रोम में जो परमानेंटली रीड करे जाते हैं, ठीक है, ये वोलेटाइल नहीं होती। तो वोलेटाइल सिर्फ क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, है ना। नॉन वोलेटाइल मेमोरी पूछेंगे तो कौन सी है, रोम है। तो रोम कोई भी हो, ईपी रोम हो, इरेजेबल रोम हो, इलेक्ट्रॉनिकल रोम हो, जितनी भी रोम हो वो क्या है, सारी की सारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी तो है ही लेकिन नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और वो मतलब ये टेम्परेरी मेमोरी है और ये परमानेंट मेमोरी है, ठीक है, इतना है आपको समझ में। और फोर्थ है इसमें ईपीरोम। ईपीरोम का मतलब है कि इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ये इरेज हो जाती है जब भी हम इसका एक्सपोज करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज की लाइट में, तो ये इरेज हो जाती है, फिर दोबारा इसको वो कर सकते हैं हम, कोई और प्रोग्राम हमने इसमें डालना हो। और एक और है इसमें पार्ट है जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से इसको एक्सपोज करेंगे तो उस टाइम पे इसको इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो दो तरीके की मेमोरी हमने डिस्कस की थी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के पार्ट है रैम एंड रोम, और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसके बहुत CD हो गई, DVD हो गई, HDD हो गई, जो हार्ड डिस्क ड्राइव मैंने बताया था, SSD हो गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो हो गई, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, वोलेटाइल है, टेम्परेरी मेमोरी है, और जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक ये मेमोरी यूज में रहेगी। जैसे ही इसमें हमने कोई सेव नहीं किया, सेकेंडरी मेमोरी में ट्रांसफ़र नहीं किया डाटा, तो वो क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। और
रोम जो हमारी रीड ओनली मेमोरी है, ये बूटिंग अप, जो बूटिंग अप होता है कंप्यूटर, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे रोम का सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, इतना आया समझ में? ठीक है, हाँ वो मैं बताऊंगा। कैचे मेमोरी है, कैचे मेमोरी भी आपके वोलेटाइल की तरह ही होती है, कैचे मेमोरी भी वोलेटाइल ही मानी जाती है। कोई कैश बोल देता है, कोई कैचे बोल देता है ना। तो ये मेमोरी का पार्ट था इसका, जो रैम रोम का। ठीक है, इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ, आपको इसमें से कुछ पूछना हो तो बता सकते हो, आप लेट आए हो। हमने रैम रोम दोनों कर लिए हैं, स्टोरेज डिवाइसेस। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी में वही होता है जो जैसे मोबाइल में इंटरनल मेमोरी होती है और एक्सटर्नल मेमोरी होती है। इंटरनल हमारी रैम रोम वगैरह होगी और एक्सटर्नल में दे रिजाइड विद इन द कंप्यूटर, जैसे हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क विच इज डाटा स्टोर, दे आर यूजुअली होल्ड मोर डाटा कन्वेंशनली देन फास्टर। तो जो हमारी जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क वगैरह, SSD वगैरह होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो वो भी इंटरनल मेमोरी का पार्ट होती है। और एक्सटर्नल जो मेमोरी है हमारी, एक्सटर्नल मेमोरी होती है जैसे जो जैसे पेन ड्राइव हो गया, चिप हो गई, DVD हो गई, CD हो गई, जो एक्सटर्नल हम डाटा आजकल यूज करते हैं, है ना। तो ये सारा हो गया तो आपके कंप्यूटर की मेमोरी का। इसमें से कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कराता हूँ इसमें, जहाँ से कुछ EEPROM तो है, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। रोम है ना, जैसे ऐसे ही EEPROM है। EEPROM में बस क्या है कि ये इरेजेबल है अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से। तो इसकी जो डेफिनेशन जो आएगा ना क्वेश्चन, या तो इसकी फुल फॉर्म पूछेंगे या पूछ लेंगे EEPROM वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल है। तो क्या है EEPROM? हाँ है, वोलेटाइल कौन बता रहा है? रोम वोलेटाइल कब से होने लग गई? ये तो नई इन्वेंशन हो जाएगी। रोम जितनी भी है ना, वो सारी की सारी नॉन वोलेटाइल होती है, और रैम जितनी भी होंगी वो सारी की सारी वोलेटाइल होंगी। ठीक है, आया समझ में आपको? सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट है ये। हाँ, तो इंटरनल का मतलब है जो उसमें इनबिल्ट है मेमोरी, उसको इंटरनल स्टोरेज बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर में उसमें मोबाइल में बोलते हैं ना कि इसके इंटरनल, जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी, जो अभी फ़ोन आ रहा है आज, उसकी 12 GB तो क्या है, रैम है ना, और 256 GB उसकी इंटरनल स्टोरेज है, रोम नहीं। ठीक है, तो ये इंटरनल स्टोरेज है क्योंकि अभी दिन मोबाइल फोन है ना। और एक्सटर्नल क्या होगी उसकी, जब हम चिप इंसर्ट कर देंगे ना उसमें, वो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होगी, है ना, जो विद इन उसके हार्डवेयर के सिस्टम में नहीं है, वो हमारी इंटरनल, वो सॉरी एक्सटर्नल मेमोरी होगी। ठीक है, ये आपको समझ में? ये इरेज है क्या, इससे ही मिटेगा, इससे ही मिट रहा है। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा इसमें से क्वेश्चन कौन सा आता है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, रजिस्टर, उसके बाद होती है कैचे, उसके बाद होती है रैम। ठीक है, उसके बाद होती है रोम, उसके बाद होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, उसके बाद होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके बाद होती है वो, फिर तो बहुत कुछ होता है इसके बाद, ठीक है, यहाँ तक ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछते। ठीक है, अगर मैग्नेटिक टेप पूछेंगे तो वो इससे भी स्लो होती है। और इससे पहले आप लिखोगे तो आप यहाँ चिप लिख सकते हो, पेन ड्राइव लिख सकते हो, ठीक है, है ना। दिख रहा है आपको या मैं नई स्लाइड पे बताऊं?
उसके बाद होती है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। मैग्नेटिक टेप, अच्छा नीचे मैग्नेटिक टेप वगैरह आई। तो इसमें जो सबसे पहले जो सबसे स्मॉल मेमोरी होती है वो होती है रजिस्टर्स कंप्यूटर में, जहाँ डाटा सेव होता है। और रजिस्टर के बाद होती है कैचे मेमोरी, और उसके बाद होती है रैम, फिर रोम, फिर एसएसडी, फिर एचडीडी, फिर पेन ड्राइव या चिप, या फिर डीवीडी सीडी, और फिर मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है। उसके बाद फ्लॉपी डिस्क, मतलब जितनी पुरानी टेक्निक होगी ना वो उतनी स्लो होगी, मतलब उतनी लेट से एक्सेस होगी। अब डीवीडी पहले यूज किया आपने तो डीवीडी को बूट रन होने में टाइम लगता था, ठीक है। अब पेन ड्राइव लगाते हो इजीली एक्सेस हो जाती है, चिप होती है उससे इजीली एक्सेस होती है, एसएसडी है वो उससे भी ज़्यादा है, आपकी कैसे मेमोरी उससे भी ज़्यादा है, रैम रोम ये, ठीक है। तो अगर ये हायरार्की आ जाए, हमें ये बताओ कि सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो स्मॉलेस्ट रजिस्टर से लेके फिर कैचे रैम रोम, ठीक है। उसके बाद ये पूछ ले कि स्पीड किसकी ज़्यादा होती है सबसे, तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, अब मुझे ये बताओ इसमें। हाँ, रजिस्टर्स की सबसे ज़्यादा स्पीड होगी। तो क्वेश्चन आपका क्या आएगा, मैं पैरामीटर बता देता हूँ, एक तो आएगा स्पीड, है ना। तो स्पीड में तो क्या होगा कि टॉप टू डाउन इसमें स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। अगर ये पूछ ले आपसे टाइम असेस, मैं यही बता ही देता हूँ। अच्छा यहाँ लिखा ही आ गया मेरे, एक तो होता है देखो स्पीड का, दो चीजें होती है स्पीड। स्पीड में जब आपकी बात लिखोगे तो आप लिखोगे सबसे पहले रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद जो है ना कि उसके बाद कैसे, उसके बाद आपकी रैम, उसके बाद रोम, है ना, उसके बाद एसएसडी, और उसके बाद एचडीडी, ठीक है। ये आपका स्पीड, तो स्पीड सबसे ज़्यादा रजिस्टर की होगी, उसके बाद कैचे की, फिर रैम की, फिर रोम की। और ये जो दोनों मेमोरी है ये आपकी, ये क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, है ना, ठीक है। उसके बाद पूछ लिया कि टाइम असेस बताओ, कि टाइम असेस किसका ज़्यादा होता है, टाइम असेस तो पूछ लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। अच्छा क्वेश्चन आएगा, आपको ये ध्यान में रखना है कि असेंडिंग का क्या मतलब होता है, ऐसे आएगा असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ मेमोरी को और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग में, है ना, पहले सबसे छोटा उसके बाद बड़ा, ठीक है। तो इसमें अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो सबसे पहले छोटी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, तो ये क्या साइज के हिसाब से इस असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अगर इसमें स्पीड में कहूँ तो स्पीड के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में है, है ना। और ये हो गया, अगर मैं टाइम असेस की बात करूँ कि टाइम असेस लगाओ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोले तो असेंडिंग ऑर्डर, तो टाइम असेस में भी ये क्या है, यही ऑर्डर हो जाएगा। नहीं आया समझ में, मैं दोबारा बताता हूँ। टाइम असेस का मतलब है कि किस में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में टाइम असेस लगाना है, हाँ। तो इसीलिए ये सबसे कम, तो इसीलिए वो हो गया ना, ये असेंडिंग हो गया ना। डिसेंड का मतलब होता है डिक्रीज होना, आप डिसेंडिंग से ये दिमाग में रख लो, कोई भूल जाओ तो डी का मतलब डिक्रीज, डी का मतलब डिसेंड होना, कोई भी डिसेंड होती है तो डिक्रीज होती है। अगर मैं बोलूँ कि टाइम कम किस में लगेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर तो है नहीं, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो फिर पैटर्न कैसे आएगा ऐसे। तो इसके क्वेश्चन कम से कम 15-20 क्वेश्चन हर बार आते हैं, अलग अलग वे से, मतलब अलग अलग शिफ्ट में आएंगे, लेकिन मेमोरी से क्वेश्चन 100% आएगा। या तो आपसे रैम से क्वेश्चन पूछेगा, या आपसे वो रोम का क्वेश्चन पूछेगा, या आपसे जो है ना कि वोलेटाइल मेमोरी के बारे में बात करेगा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बात करेगा, पूछ लेगा सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है, प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, है ना, परमानेंट कौन सी है, टेम्परेरी कौन सी है, टाइम असेस किसका ज़्यादा है, स्पीड की क्या हायरार्की है ना। तो इस तरीके से वो बात करेगा। अब इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, इसमें से कुछ डाउट हो तो।
साइज, हाँ यही है। तो टाइम एसेस का कई बार वो टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर का पूछ लेगा, कई बार टाइम एसेस की जगह ये पूछ लेगा कि विच मेमोरी विल टेक लेस टाइम, इस तरीके से। मतलब वो उसके शब्दों का खेल है, आपने क्वेश्चंस की स्टेटमेंट से समझना है कि स्टेटमेंट में आपसे क्या पूछा गया। ठीक है, क्या कैशे भी टेम्परेरी है, कैशे मेमोरी भी टेम्परेरी है, तो ये दोनों कैसे के बारे में, कैसे एक टेम्परेरी मेमोरी है और वोलेटाइल मेमोरी है, और प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है ना। आपके मोबाइल की बहुत बार कैशे मेमोरी फुल हो जाते हैं, तो आप उसको डिलीट करते हैं बहुत बार। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कैशे मेमोरी फुल हो गई, तो आपका जो है ना कि प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है ना। तो आपकी जो रैंडम एक्सेस वाली मेमोरी होती है सारी, वो जो कैशे भी रैंडमली एक्सेस होती है, तो कैशे भी जो है ना कि वोलेटाइल है, तो वो आपका स्पेस खाली रहना चाहिए। आप जितनी ज़्यादा ऐप मोबाइल में खोल के बैकग्राउंड में रखोगे, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। इसलिए कंप्यूटर को बार बार रिफ्रेश क्यों करते हैं, रिफ्रेश इसलिए करते हैं कि जो उसकी टेम्परेरी मेमोरी में कोई कुछ भी सॉफ्टवेयर होगा तो वो चला जाए, ताकि वो मेमोरी इजीली हम एसेस कर पाए, वहाँ टाइम मिल पाए। ठीक है, इतना आया आपको समझ में? ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जो, इसको ध्यान से पढ़ना, इसमें से क्वेश्चन आएगा, पक्का क्वेश्चन आएगा इसमें से, है ना। कहाँ है रैम? स्टैटिक हो, डायनमिक होता है, दिखाना हमको कुछ। स्टैटिक इसलिए होता है कि जैसे बहुत सारे प्रोग्राम उसमें, ये एस रैम डी रैम, देखो स्टैटिक और डायनमिक का मतलब ये होता है, डायनमिक में होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम हम मोर देन वन रैम कर सकते हैं, और स्टैटिक होता है कि जो आपकी कुछ लिमिटेड फंक्शंस के लिए वह अवेलेबल हो, है ना। इसको हम मोटे तौर पे इस तरीके से समझ सकते हैं, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ के आपको बता दूंगा कि पूरी एस रैम का जो कंप्यूटर में फंक्शनिंग में क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन स्टैटिक वो चीज़ होती है कि जो जिसमें हम ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारी मशीन्स ऐसी होती हैं कि जैसे ECG की मशीन है, उसमें हम कुछ इनपुट नहीं देते, उसका फिक्स है कि वो जो जितना एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन जैसे कंप्यूटर में हम कुछ भी ओपन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से स्टैटिक ही, उन्होंने कहा कि जिसका जो प्रोग्रामेबल है वो फिक्स्ड हो, और डायनेमिक में जो है ना कि हम यूजर के अकॉर्डिंग जिस तरीके से फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उस तरीके से वर्क करें। ठीक है, बाकी मैं इसको और डिटेल में पढ़ के आपको बता दूंगा। अच्छा, अब हमने जो है ना कि कंप्यूटर हार्डवेयर हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अगर हार्डवेयर में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर दोगे अब, है ना। सेकंड है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है कि सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशंस होती है जो जिस पे कोई हार्डवेयर रन करता है ना। तो सॉफ्टवेयर्स में बहुत सारे सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती है, प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, एल्गोरिथम होते हैं। एल्गोरिथम का मतलब है कि कोई ना कोई उसका फार्मूला होगा जिस पे वो रन करेगा। जैसे यूट्यूब का अपना एल्गोरिथम होता है, फेसबुक का अपना एल्गोरिथम होता है, जिस एल्गोरिथम पे वो चलते हैं। एल्गोरिथम मतलब प्रोग्राम्स। ठीक है, उसके बाद इसमें जो हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं कि द सॉफ्टवेयर इज स्टोर्ड इन ए हार्डवेयर दैट कैन नॉट बी इजिली मॉडिफाइड सच एज बायोस। जैसे हम क्या करते हैं कि BIOS की फुल फॉर्म पूछते हैं बहुत बार, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, और रोम की आपको पता ही है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो जो फर्मवेयर होते हैं वो समवट सॉफ्टवेयर के और हार्डवेयर के बीच का जो एरिया होता है उसको
फर्मवेयर बोलते हैं, जैसे बाइनरी इनपुट आउटपुट के जो सिस्टम होते हैं, है ना। तो ये होता है इसमें। नेक्स्ट इसमें जो सॉफ्टवेयर की हम बात करें, तो मेन जो सॉफ्टवेयर होता है ना, सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर होता है किसी भी उसका, तो सबसे मेन जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब है कि जिस सॉफ्टवेयर पे वो प्रोग्राम रन करेगा, जैसे विंडोज है ना, विंडोज हुआ, मैक हुआ एप्पल के लिए, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए है ना, लाइनेक्स है, ये जो अलग अलग जो विंडो है, या यूबंटू है, आपने सुना हो, यूबंटू भी एक सॉफ्टवेयर है, विंडो की तरह काम करता है। तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हम इनको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जो क्या करते हैं, यूजर के और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन का काम करते हैं। जैसे यूजर हमें नहीं पता ना मशीन हार्डवेयर किस तरीके से रन होगा, लेकिन वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, मदद करेगा उस हार्डवेयर को रन करने में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो मदद करते हैं हमारी किसमें, सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को रन करने में, ठीक है। तो इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं जो सिस्टम को रन करते हैं। तो अलग अलग बिट की विंडो आती है, 16 बिट की और 32 बिट की। जो बिट का जो है ना, आप देखोगे इस तरीके से, अगर आप कंप्यूटर में आपको पढ़ा होगा ध्यान से, तो इस तरीके से होते हैं, बिट होती है सबसे पहले, और 8 बिट इज इक्वल टू 1 byte, है ना, और 4 bit इज इक्वल टू 1 nibble के बराबर होती है, ठीक है। तो मेन होता है बिट का सिस्टम, तो 8 bit की होती है, 8 8 8 8, तो 8 चौक 32, तो 32 bit का विंडो इस तरीके से होती है। अगर 32 की होगी तो इस तरीके से, और 64 की होगी तो फिर 8 का मल्टीपल हो गया, इस तरीके से डाटा स्टोर होते हैं मेमोरी में। तो इस तरीके से विंडोज होती है। तो ये माना जाता है जो जितने ज़्यादा बिट की विंडो होगी ना, उसमें उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग इजी होगी, क्योंकि उतना ज़्यादा उस वहाँ स्पेस होगा हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। सेकेंड है इसमें कि जैसे मैं कंपाइलर के बारे में बता देता हूँ। कंपाइलर क्या करते हैं कि जो हमारी लैंग्वेज होती है, जो प्रोग्राम की लैंग्वेज होती है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कीबोर्ड में भी कंपाइलर लगे होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, वो मैं आगे बताऊंगा। तो कंपाइलर क्या करते हैं, तो जो हमारी रिटर्न लैंग्वेज होती है, जिस लैंग्वेज में हमने प्रोग्राम लिखा है, उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इसने एग्जाम्पल बता रखा, जो एल्गोल की लैंग्वेज है, इसके कंपाइलर अलग होते हैं, बेसिक्स कंपाइलर अलग होते हैं, C++ के कंपाइलर अलग होते हैं, फोर्ट्रॉन एक लैंग्वेज है उसके अलग होते हैं, पाइथन होता है उसके अलग होते हैं। तो क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और जो मशीन लैंग्वेज है हमारी, वो मशीन लैंग्वेज क्या है हमारी, 0 and 1 की फॉर्म में, जो बाइनरी लैंग्वेज है। तो मशीन इसको ही समझता है, हमारी उर्दू हिंदी नहीं समझता कंप्यूटर, कंप्यूटर समझता 0 1 को। 0 1 की फॉर्म में आप इंस्ट्रक्शंस दोगे तो वो इंस्ट्रक्शंस रन करेंगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर, इससे क्वेश्चन आएगा, इसमें कुछ कहीं भी कोई डाउट हो तो उसी टाइम पे पूछ लेना मुझसे, है ना। तो नेक्स्ट है जो ये आप याद करके चले जाना, बहुत बार मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं कि ये बताओ, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या कंपाइलर है क्या ये। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे यूनिक्स है, ठीक है, और लाइनेक्स हो गया, विंडो हो गई, विंडो XP, विंडो किसकी है, विंडो माइक्रोसॉफ्ट का है ना। मैक किसका है, कई बार डायरेक्ट आता है, मैक किसका है, मैक एप्पल के जो कंप्यूटर होते हैं ना, ठीक है ना, एप्पल के मैक होता है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग वो होते हैं, मोबाइल का पूछेंगे तो एंड्रॉयड होता है मोबाइल में, है ना। तो ये सारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। और 1985 में विंडो डेवलप हुई थी, तो MS-DOS उस टाइम पे आया था, माइक्रोसॉफ्ट डोस, ये सबसे पहले बहुत यूज होता था। ये GUI का एग्जांपल है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है कि जो ग्राफिक्स हमें दिख रहे हैं, जैसे हमारे मोबाइल का इंटरफेस है ना, तो वो GUI है हमारे लिए, कि यूजर से कैसे इंटरफेस कर रहा है कोई भी। तो हर कंपनी का अपना अपना इंटरफेस होता है। आप सैमसंग का देखोगे, सैमसंग का अलग इंटरफेस है,
रेडमी का अलग है, एप्पल का अलग इंटरफेस है, जो मैंने बताया था कि एप्पल का इंटरफेस ऐसा है कि आप कोई ऐप खोलोगे, वापस होम स्क्रीन पे आना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी ऐप खुलेगी। एंड्रॉयड में हम उसको मिनिमाइज करके दूसरी एक साइट में खोल सकते हैं। ये अपने इंटरफेस है, ठीक है। जीयूआई की फुल फॉर्म आ जाती है बहुत बार, तो जीयूआई ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, ठीक है। बैकअप सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं जो जैसे क्लीन अप के लिए यूज होते हैं। बहुत बार कहते हैं ना कि आप अपने सिस्टम को क्लीन करो, आपके मोबाइल में भी आता है कि भाई आपका डाटा ज़्यादा हो रखा है, तो जो आपकी जर्क फाइल है या जो आपकी कॉपीड फाइल है उसको वो क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। बैकअप सॉफ्टवेयर होते हैं इस तरीके से। उसके बाद है एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहली चीज़ है जो विंडो होगी। विंडो के ऊपर जितने आइकन दिखते हैं हमें वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं। हमारा पेंट हुआ, हमारा एमएस वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, यूट्यूब का आइकन हुआ, गूगल क्रोम हुआ, ये सारे के सारे क्या हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके बाद जो रन होता है वो हमारे एप्लीकेशन या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन यूटिलिटी है उपयोगिता के आधार पर, जैसे जैसे पेंट को, हाँ, पता है मुझे नीचे है, तो उसमें जैसे इसमें आप देखो मोजिला फायरफॉक्स हुआ, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ, ठीक है। इसमें तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, है ना। तो यूटिलिटी के जैसे एंटीवायरस हो गया, डेस्कटॉप के जो आइकन होते हैं डेस्कटॉप पे होते हैं वो सारे के सारे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो, जैसे डिक्शनरी, कैलेंडर, टाइम, जो डेस्कटॉप पे नीचे होते हैं ना, जितने भी टाइम का होता है, कैलेंडर होता है, डिक्शनरी होती है, मैप होते हैं, कैलकुलेटर होते हैं, है ना, ये सारे के सारे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के पार्ट है, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने ये कर ही लिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, और इसमें अब हम बात करेंगे प्रोग्राम की लैंग्वेज के बारे में, है ना। कितना टाइम हो गया सर? अच्छा, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, मशीन लैंग्वेज, है ना। तो मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर बना तो 0 और 1 की जो फॉर्म है वो मशीन लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। 0 और 1 की फॉर्म में ही कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर को हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी कुछ नहीं आती। जब तक उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगी 0 और 1 की फॉर्म में, वो नहीं समझेगा, है ना। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस जाती है वो सारी की सारी मशीन लैंग्वेज उसको अंडरस्टैंड करता है, कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है। और सीरीज ऑफ बिट्स होती है। अब आप जब भी इंफॉर्मेशन की बात करोगे तो सारी इसी में जाएगी ना, बिट्स में, बाइट में, जो उसका स्टोरेज यूनिट है ना। जैसे हम बात करते हैं, पहले सबसे पहले बिट होती है, फिर बाइट होती है। इसके बारे में मैं लास्ट क्लास में कराऊंगा सारा कन्वर्जन। किलोबाइट होती है, उसके बाद मेगाबाइट होती है, फिर गीगाबाइट होती है, फिर टेराबाइट होती है। ये उसके स्टोरेज के एग्जांपल है कि साइज ऑफ मेमोरी के, है ना। उसके बाद होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, अब आप मुझे बताओ, जब हमने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था तो उसमें कौन सी लैंग्वेज थी? मशीन लैंग्वेज थी। और सेकंड जनरेशन में क्या थी? असेंबली लैंग्वेज थी। तो असेंबली लैंग्वेज क्या थी? लिटिल बिट एडवांस थी, मतलब ह्यूमन इंट्रैक्शन के लिए ज़्यादा ईजी होती थी। पहले जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर नहीं था, कि आज जो इलिटरेट है पता नहीं है, हमारा भी मन किया तो कंप्यूटर चला दिया, जो स्पेशल एक्सपर्ट होते थे जिसको प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शंस का नॉलेज होता था वो इसको रन कर पाते थे। ऐसा ही असेंबली में थोड़ा सा हुआ, जैसे उन्होंने बना के लिख दिया ऐड, तो ऐड का मतलब हो गया एडिशन। तो इस तरीके से 0 1 की फॉर्म में उन्होंने थोड़े थोड़े जो है ना कि एडवांस, जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में जो प्लस माइनस का साइन है ना, तो वो भी क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस है, हम उसको असेंबली लैंग्वेज बोल सकते हैं एक टाइप से, क्योंकि प्लस के अंदर जो उन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रन कर रखा है तो वो 0 1 की डिजिट में ऐसा कर रखा है कि उसका आउटपुट एडिशन आया। आपने कभी कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की हुई हो तो पता होगा आपको कोई लैंग्वेज पे। उसके बाद होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज होती है जैसे C++ हो गई, जावा लैंग्वेज हो गई, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मैं आगे बताऊंगा, जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर आएंगे वो उसको कन्वर्ट कर देंगे मशीन लैंग्वेजेस में, है ना। प्रोग्राम का बताइए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती है, प्रोग्राम होती है कुछ भी इंफॉर्मेशंस की, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है ना। तो लैंग्वेज के जो प्रोसेसर होते हैं वो एक असेंबलर होता है, एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर। तो जो असेंबलर है वो लैंग्वेज का प्रोसेसर होता है, वही जो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में।
तो ये लैंग्वेज के प्रोसेसर है, इसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं करते। अगर ये नहीं हो ना, तो इसमें माना जाता है कि लैपटॉप के जो कीबोर्ड होते हैं ना या डेस्कटॉप के, उसमें इंटरप्रेटर वगैरह कंपाइलर वगैरह ऑटोमेटिकली फिट होते हैं। तो असेंबलर क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज, सॉरी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। इंटरप्रेटर भी क्या करेगा, इंटरप्रेटर भी यही करेगा कि जो है ना कि मशीन लैंग्वेज को, ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, सॉरी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इंटरप्रेटर में कंपाइलर में क्या डिफरेंस है, इंटरप्रेटर जो होता है ना लाइन बाय लाइन, इंटरप्रेटर क्या करेगा, इस लाइन को पढ़ेगा और कंपाइल कर देगा, सेकंड इस पे आएगा इसको पढ़ेगा फिर कंपाइल कर देगा, सॉरी मतलब कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज, इस लाइन को पढ़ेगा। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है किसी प्रोग्राम को, और कंपाइलर क्या करता है कि एक बार में पूरा का पूरा पेज, वो वन टाइम असेस होता है, तो एक टाइम में पूरा का पूरा पेज कंपाइल कर देता है। तो इसके भी कई बार क्वेश्चन आए हैं कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है, तो या वो मैच द फॉलोइंग में आए या उसमें आए स्टेटमेंट में आए या असर्शन रीजनिंग में आए, तो आप इसको कर दोगे अब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लैंग्वेज, इसमें अभी तक कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ, इसमें मेमोरी से रिलेटेड या लैंग्वेज से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड कोई डाउट हो, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आएगा इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट ये मैं एक यूनिट में एक दिन कराऊंगा आपका पूरा कन्वर्जन वाला, उस दिन आपका सारा नंबर सिस्टम हो जाएगा, आपको बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये सब कन्वर्जन, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आता है इस चैप्टर से नहीं, ठीक है। क्या करते हैं, दिखाना मुझे, स्टोरेज है यूनिट तो कुछ भी हो सकते हैं, वो कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, है ना। जैसे चिप भी 2 GB की भी आती है, 3 GB की भी आती है ना, लेकिन चिप जीबी की इसलिए आती है क्योंकि वो ज़्यादा स्टोरेज लेती है। जो रजिस्टर्स होंगे वो बिट एंड बाइट्स में ही लेंगे इन्फॉर्मेशन, वो कहाँ है ये, हाँ रजिस्टर सबसे छोटी यूनिट है ना मेमोरी की, इसलिए वो बाइट्स लेगा। अब बाइट्स कितने भी हो सकते हैं, है ना। अब जो मैंने आपको बताया था 8 bit इट इज इक्वल टू 1 byte, है ना। अब 1 byte है ये, है ना। अगर ये 1024 byte हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, kilobyte, है ना। तो 1024 से डबल हो जाएंगे तो 2 kilobyte हो जाएगा। जब 1024 kilobyte हो जाएंगे तो हमारा 1 MB हो जाएगा, MB होता है, और 1024 जो MB हो जाएंगे तो हमारा, अरे GB आएगा पहले, GB, उसके बाद फिर TB, है ना। तो जो इसने बाइट कहा, तो बाइट कितने भी हो सकते हैं, अगर 1024 हो गए तो MB ले लेगा, है ना। अब जैसे इसने कैचे मेमोरी कहा कि KB और MB में लेगा, इसका मतलब है जो रजिस्टर्स है ना वो 1 byte से कम के ही होते हैं, इसलिए ये यूनिट है इनकी, क्योंकि बहुत कम मेमोरी है तो बहुत छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम को रन करने में या एक्सेस करने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसमें बाइनरी में वही है 0-1 की फॉर्म में होता है, है ना। बाइट का ये मैं बताऊंगा, ये आपको ये फुल फॉर्म याद करनी है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो भी हमारे कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, वो अमेरिकन स्टैंडर्ड पर बने होते हैं, SKI बोलते हैं इसको। तो बहुत बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि SKI की फुल फॉर्म क्या है, तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऐसे ही EBCDIC है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये क्या होते हैं कि जैसे हम प्लस वन वगैरह, ये अल्फ़ाबेटिक ये की है ना, इसमें ये सारे के सारे अमेरिकन स्टैंडर्ड पे काम करते हैं, है ना।
वो फिर जो इंटरचेंज है ना, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का मतलब हमारी जो लैंग्वेज है उससे मशीन लैंग्वेज में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना आप। फिर ये कल हम नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, है ना, नेटवर्क का बचा है और उसके बाद ईमेल का बचा है पूरा। एक क्लाइंट क्या है, इंटरनेट क्या है, एफटीपी क्या है, आईपी क्या है, राउटर क्या है, ठीक है। और एक दिन फिर हमारा उसमें लगेगा, फिर दो दिन में हमारा आईसीटी ख़त्म हो जाएगा और लास्ट डे हम क्वेश्चन करेंगे इसके। तो शायद तीसरा दिन आज, और तीन दिन में और ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी आगे क्वेश्चंस, अब आप इसको पढ़ के आना, जहाँ तक भी पढ़ सको, है ना। कल हम इसको पूरा ख़त्म कर देंगे और परसों हम इसका जो है ना कि बाइनरी वो सॉरी डेसिमल नंबर सिस्टम वाला करेंगे, कन्वर्जन सारे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आपकी पूरी थ्योरी होनी चाहिए, है ना, ताकि मैं क्वेश्चन पूछूँ तो आप आंसर दे दो, है ना। ठीक है, थैंक यू।